हेलो एवरीवन, आज सेकेंड डे है यू कैन बी पैलेट मेकअप सीरीज का। आज हम करने वाले हैं ये रेड बेस्ड पर मेकअप ट्यूटोरियल। सबसे पहले मैं आपको इसके स्वॉचेस शेयर करूंगी। ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ पिंक शेड्स भी इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ को स्पूली की हेल्प से ब्रश कर रही हूँ एंड देन अपनी आईब्रोज़ को मैं शुगर के ब्रो आर्क पाउडर की हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर लूँगी। फॉर प्राइमर, ये मिलाने का हाइड्रेटिंग प्राइमर मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका कलर वाइट है और इसका टेक्सचर बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ईजिली ये ब्लेंड हो जाता है। इस प्राइमर की जो फ्रेग्रेंस है ना, वो थोड़ी मिंट टाइप से है, लेकिन थोड़े टाइम के बाद ना ये जो मतलब जो फ्रेग्रेंस है वो गायब हो जाती है और ये उतनी इरिटेटिंग नहीं लगती है। मतलब ये नॉर्मल है इसकी जो स्मेल है। फॉर फाउंडेशन मैं ये मेबलिन का 310 नंबर फाउंडेशन का और ये गोल्डन कैरमल फाउंडेशन, ये दोनों मिक्स करके ना मैं अप्लाई कर रही हूँ। बिकॉज 310 मेरी स्किन के लिए बहुत लाइट है और जो गोल्डन कैरमल है फिलहाल मेरी स्किन के लिए ना बहुत डार्क है। इनको मिक्स करके एकदम परफेक्ट शेड मेरे फेस के लिए बन जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में। थ्री टेन फाउंडेशन शेड मैं एज अ कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ ये फ्लफी ब्रश की हेल्प से। बेस सेट करने के लिए मैं ये फिनिशिंग पाउडर फ्रॉम लैक्मे यूजिंग दिस पाउडर ब्रश अपने फुल फेस पर मैं डस्ट कर रही हूँ। इससे मुझे ज़्यादा पाउडर लगेगा नहीं और ईजिली मेरा बेस सेट हो जाएगा बिकॉज मेबलिन के फाउंडेशन ट्रांसफर प्रूफ नहीं है। सबसे पहले मैं ये कैरेट रेड शेड लेकर अपनी क्रीज लाइन पर इसे प्लेस कर रही हूँ। इसे मैं आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर तक अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। ये जो रेड बेस वाला पैन है ना, इसमें कोई भी डार्क शेड नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम लगा मुझे ये वाला मेकअप करने में। नेक्स्ट मैं ये तीन शेड मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मुझे एक डार्क काइंड ऑफ शेड चाहिए था थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट करने के लिए। बट जब मैंने इसे प्लेस किया ना, तो मुझे ये थोड़ा सा और ब्राइट लगने लगा, जिसकी वजह से मुझे ये इसके ऊपर ना मैंने फिर से रेड कलर, जो प्लेन रेड कलर है उसको मैंने इसके ऊपर टॉपअप किया था। नेक्स्ट मैं एक क्लीन ब्रश की हेल्प से सारे एजेस अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। ये प्रेस्ड ग्लिटर शेड मैं अपने रिंग फिंगर की हेल्प से सिर्फ मिडल ऑफ द लिड पर मैं इसे अप्लाई करूंगी। जहां तक मेरी क्रीज लाइन है ना, सिर्फ वहीं तक मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ।
नेक्स्ट मैं ये शिमर शेड लेकर एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से लाइक ये जो मैंने ग्लिटर शेड के लाइक एंड पर लाइक मतलब आउटर कॉर्नर पर और इनर कॉर्नर्स पर मैं इसे प्लेस करने वाली हूँ। नेक्स्ट डोम ब्रश की हेल्प से मैं ये शिमर शेड लेकर अपने ब्रो बोन और इनर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूंगी। नेक्स्ट मैं ये प्लेन रेड शेड लेकर ना अपने लोअर लैश लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट फॉर आईलाइनर मैं ये लैक्मे का आइकॉनिक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसका मुझे एप्लीकेटर उतना पसंद नहीं आया और मुझे विंग आईलाइनर लाइक अप्लाई करना था बट मैंने उसका आइडिया ड्रॉप कर दिया बिकॉज ऑफ एप्लीकेटर। फॉर मस्कारा मैं ये लॉरियल का लैश पैराडाइज मस्कारा यूज कर रही हूँ एंड देन लैशेस फ्रॉम पैक कॉस्मेटिक इन नंबर 53। फिर मैं ये अपनी कॉन्टोरिंग के लिए ना इनसाइट का पैलेट यूज कर रही हूँ, उसमें से ये डार्क शेड लेकर फॉर कॉन्टोरिंग मैं इसे अपनी हॉलो ऑफ द चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से। सेम मैं अपने नोज को भी कॉन्टोर करूंगी लेकिन हल्का सा। इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी लाइक अपवर्ड मोशन में। फॉर ब्लश मैं ये लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम स्मैश बॉक्स यूज कर रही हूँ इन द शेड गुलाबे और इसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड करूंगी। आप कोई भी पिंक शेड यूज कर सकते हैं और जो भी लेफ्ट रहेगा ना स्पॉन्ज पर मैं उसे अपनी नोज पर इस तरह से अप्लाई कर लूंगी। नेक्स्ट मैं ये पैक का लिक्विड हाईलाइटर यूज करने वाली हूँ फॉर हाईलाइटिंग। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ही निकाल लिया है, जितना मैंने अपने ये टाइनी फिंगर पे लिया है ना बस मुझे उतने की ज़रूरत है अपने फुल फेस के लिए और इसे मैं इस तरह से अप्लाई करके फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड कर लूँगी। ये हाइलाइटर सटल ग्लो के लिए काफ़ी अच्छा है, इसे मैं अपनी नोज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी। जितना मैंने टाइनी फिंगर पर लिया हुआ था ना बस उतने की मुझे ज़रूरत है। लिपस्टिक के लिए मैं सेम लिक्विड लिपस्टिक फ्रॉम स्मैश बॉक्स में सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ। एंड देन मैं ये पर्पल के मिनी लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड माय फर्स्ट बे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ ऑन द मिडल ऑफ द लिप्स। आई होप आपके लिए आज का ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा और आपको अच्छा लगा होगा। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग।